कि आप स्कूल चला रहे हैं या स्कूल खोलने का प्लान कर रहे हैं और अपने स्कूल को पेरेंट्स का नंबर वन चॉइस बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो पे मैं 10 ऐसे आइडियाज दूंगा जिससे कि आप अपने स्कूल को अपने पेरेंट्स का नंबर वन चॉइस बना सकते हैं। माय नेम इज अमोल अरोड़ा, मैं शेमरॉक और शेमफर्ड कूपर स्कूल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारे इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश में 650 से ज़्यादा प्ले स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स चल रहे हैं। वी हैव हेल्प पीपल जिनके कोई बैकग्राउंड नहीं है टू रन सक्सेसफुल स्कूल्स, जैसे कि फार्मर्स, हाउसवाइव्स, आईटी प्रोफेशनल्स, हर किस्म के बैकग्राउंड के लोगों ने सक्सेसफुल स्कूल्स चलाए हैं हमारे सपोर्ट के साथ। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारी फ्रेंचाइज लेके आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरे वेबिनार में ज्वाइन करो पहले, सबसे पहले टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन ओपन अ स्कूल, क्या क्या लगता है स्कूल खोलने के बारे में, और उसमें मैं फ्रेंचाइज के बारे में बताऊंगा कि आप एक फ्रेंचाइज से आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर वन चीज़ है जो आपको अपने फोकस करना है एकेडमिक्स पे। आपको ऐसा करिकुलम बनाना है, ऐसा पढ़ाना है बच्चों को कि बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज बाकी सब चीज़ें तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है बच्चों की एकेडमिक्स पे फोकस के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आपको अच्छे टीचर्स रिक्रूट करने हैं, टीचिंग मेथड्स, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स होने चाहिए ताकि बच्चे अच्छा एकेडमिकली परफॉर्म कर सकें। सेकेंड स्ट्रैटेजी है, यू हैव टू हैव अ यूएसपी। आपका स्कूल का फोकस होना चाहिए। ज़्यादातर स्कूल्स क्या होते हैं, वही बातें करते हैं, मार्क्स, ऑलराउंड डेवलपमेंट, और एक स्कूल और दूसरे स्कूल में कोई फर्क नहीं होता, बल्कि उनके एडवर्टीजमेंट में स्कूल की बिल्डिंग डालते हैं, तो मतलब बिल्डिंग के अलावा आपका कुछ नहीं है। तो अपना स्कूल का यूएसपी बनाइए, एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि ऐसा क्या है आपके स्कूल में जो किसी और स्कूल में नहीं है। थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका एक तो चैलेंज है, जो लोग आपके विजन के साथ अलाइन होते हैं, जो पेरेंट्स आपके विजन को मानते हैं कि हाँ ऐसा ही एजुकेशन होना चाहिए, वही आपको ज्वाइन करेंगे। और दूसरा चैलेंज क्या खत्म होगा कि जो लोग डिस्काउंट मांगते हैं बिकॉज उनको सब में सब एक जैसे स्कूल लगते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत लोग नहीं करते, छोटी सी एक्सरसाइज कर लेंगे, सोचो ऐसा क्या है आपके में जो किसी और स्कूल में नहीं है, एकदम समझ नहीं आएगा, थोड़ा सोचेंगे तो निकल आएगा उसमें भी। थर्ड इज बहुत बहुत फोकस होना चाहिए, एजुकेशन से ऊपर है सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन। तो बच्चों की जो सेफ्टी है उसका पूरा ध्यान रखें, पेरेंट्स को दे शुड बी कॉन्फिडेंट कि मेरा बच्चा यहाँ सेफ है। इनफैक्ट कोविड के टाइम देखा हमने कि पहले सेफ्टी केम फेस, तभी सबसे पहले स्कूल्स बंद किए गए और एजुकेशन सेकेंडरी रहा। सो राइट फ्रॉम सीसीटीवी कैमराज, आपके पास कोई भी ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं होने चाहिए, ऐसा कोई एरिया स्कूल में नहीं होना चाहिए जहां पर कैमरा कवरेज ना हो। आपके पास अच्छा स्टाफ होना चाहिए, आपके पास प्रोग्राम्स होने चाहिए बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए। आपको इंश्योर करना है कि आपका स्कूल बिल्कुल साफ, नीट, कोई शार्प एजेस नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए बच्चे की जो बच्चे को चोट लग सके। तो कोई ऐसा डेंजरस एरिया नहीं होना चाहिए। खुद विजुलाइज करिए, स्कूल को घूमिए, अपने स्टाफ को भी बोलो कि अगर कोई ऐसी चीज़ लगती है जहाँ बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई चीज़ ऐसी, कोई यू नो क्लीनिंग केमिकल से लेके हर चीज़ बच्चों की रीच से बाहर होनी चाहिए। सो सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ थिंग जो है, बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस जरूर करना है, बिकॉज सिर्फ बच्चों को हमने किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। एज अ रिस्पॉन्सिबल स्कूल, आपका अगर पेरेंट्स चाहे भी, तब भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। सो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे म्यूज़िक, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पे फोकस कीजिए कि आप यहाँ पर, बल्कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता, बिकॉज आप यहाँ पर आप पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स भी रख सकते हैं जो कि पर आवर लेंगे और कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बट आपके बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा जो आपके स्कूल को बाकी स्कूल से हट के बनाएगा। उसके अलावा आप वर्कशॉप्स कीजिए बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, लाइफ स्किल्स के लिए, कि कैसे जीना चाहिए। बेसिकली आप एक एजुकेशन सेंटर सिर्फ मार्क्स के लिए मत सोचिए, सोचो अपने कम्युनिटी का एजुकेशन सेंटर बनना है। तो वहाँ जब आप एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पूरी कम्युनिटी का सोच के चलते हैं, तो आपका स्कूल विल स्टैंड आउट फ्रॉम एवरी अदर स्कूल। फिफ्थ पॉइंट है कि जो होम स्कूल कम्युनिकेशन को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब भी कुछ स्कूल में कुछ गलत होता है तो पेरेंट्स लड़ने को आ जाते हैं, राइट? कई स्कूल्स में देखा जाए, बिकॉज हमने तो पैसे दिए हैं, तो ऐसे वो क्यों होता है, बिकॉज ट्रस्ट नहीं है। तो स्कूल्स ने बहुत एडवांटेज लिया, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने एडवांटेज लिया है कि पेरेंट्स से और कैसे पैसे निकाला जाए, उनका फोकस वो रहता है। तो प्लीज़ उसको मत कीजिए। किसी भी रिलेशनशिप में जब अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं किसी दूसरे के ऊपर, तो दूसरा पर्सन कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट होता है। तो बहुत स्कूल्स ने एडवांटेज बहुत लिया है फाइनेंशियली, स्पेशली पेरेंट्स का। ऐसा मत कीजिए, सोच ये नहीं होनी चाहिए कि मैं इनसे कैसे और पैसे निकालूं, सोचो ये कि मैं और क्या दूं जिससे कि ये पेरेंट्स ही और पेरेंट्स को रेफ़र करें। सो ये किसी भी रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। तो जितने भी मौके हों कम्युनिकेशन के, चाहे वर्कशॉप्स करें आप, पेरेंट टीचर मीटिंग्स रेगुलरली करें, कोई ऐप होना चाहिए आपके पास जिससे कि आप बेटर कम्युनिकेशन घर के साथ कर सकते हैं, ताकि उससे आपके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेंगे।
ऑफ कोर्स अगर आप स्कूल चलाना या सीखने के बारे में, तो जैसे मैंने कहा, एक मेरा वेबिनार बिल्कुल मत मिस कीजिए। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं, इसका मतलब है आप सीरियस है स्कूल चलाने के बारे में, सो लेने के लिए। सो अटेंड माय वेबिनार ऑन हाउ टू ओपन अ स्कूल। अगर आप स्कूल चला रहे हैं, नया स्कूल भी खोलने वाले हैं, तो यू लर्न अ लॉट इन दिस वेबिनार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 3 घंटे का है। ए टू जी कवर कर लूँगा ऑन हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आई थिंक इन्वेस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपका जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छा होना चाहिए, आपकी फैसिलिटीज़ हैं, जो लैब्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, क्लासरूम्स हैं, उसमें अच्छा इक्विपमेंट डालिए ताकि पेरेंट्स भी इंप्रेस हों और आपका स्कूल बाकी स्कूल से हट के हों। तो आजकल स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, LED वाले टच बोर्ड्स आ गए हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, आप लैंग्वेज लैब में इन्वेस्ट करते हैं, बेटर स्टेम लैब्स, जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टेम लैब्स, रोबोटिक्स लैब, म्यूज़िक रूम्स, ऐसे फैसिलिटीज़ आप में इन्वेस्ट कीजिए जिससे कि आपका स्कूल बाकी स्कूल से एक स्टेप आगे रहे। सेवन्थ इज आई थिंक वुड बी प्रमोट कम्युनिटी इंगेजमेंट। सो जो इवेंट्स हैं, अगेन कम्युनिटी को, अपने आपको ना कम्युनिटी का सिर्फ एजुकेशन नहीं, एक कम्युनिटी सेंटर की तरह ट्रीट करना शुरू करो। आप अपने यहाँ इवेंट्स करना शुरू कीजिए जिससे पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें। तो आसपास के जो आपके जो शॉपकीपर्स हैं, बिजनेसेस हैं, रेजिडेंट्स हैं जो आपके आसपास के, उनको लगे ये हमारा स्कूल है। अगर आपने ऐसा इमोशन देना शुरू कर दिया कि सपोज़ गरबा नाइट कर सकते हैं आप, क्रिसमस सेलिब्रेशन कीजिए, जितने भी फेस्टिवल्स कीजिए, इनवाइट पब्लिक एज वेल। सिर्फ बिकॉज बहुत स्कूल ऐसे करते हैं कुछ इवेंट्स, बट सिर्फ अपने बच्चों के लिए करते हैं या अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, तो वाई नॉट बाहर के लोगों के लिए भी करें। और इनफैक्ट ये तो इनकमिंग हो गया, इवन आउटगोइंग भी, आउटरीच प्रोग्राम्स भी कीजिए, जैसे कि उस एरिया में क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो बच्चों को इन्वॉल्व करो, चाहे वो क्लिनलीनेस है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर कोई भी सोशल प्रॉब्लम्स है, तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो, उसको सॉल्व करें और मिलके वहाँ पर एक सोशल चेंज लेके आ सकते हो अपनी कम्युनिटी में। इमेजिन करो बच्चे आपके टी शर्ट्स पहन के वहाँ पर कुछ, चाहे सफाई अभियान हो या किसी बच्चे को एजुकेशन देना है, वहाँ पर स्लम्स हैं, ऐसा कुछ आउटरीच करेंगे तो कितना गुडविल बनेगा आपके एरिया में और बच्चों में एम्पथी आएगी, बच्चे भी सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 इज अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। टुडे टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी फील्ड में। आज हम आप देखिए ये वीडियो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, 10 साल पहले कहाँ था ऐसी चीज़ें, नहीं थी ना। सो आज टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो चेंजिंग स्कूल एजुकेशन। सो स्कूल में क्या क्या टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कैन बी फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, आप अपने स्कूल बेटर मैनेज कर सकते हैं, फॉर मार्केटिंग, आप अपने स्कूल में एडमिशन्स बढ़ा सकते हैं, ब्रांड बन सकता है, होम स्कूल कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बात की थी, उसको बेटर कर सकते हो, स्कूल के रिकॉर्ड्स हैं, एनालिसिस है बच्चों का कि बच्चों के लिए, और आगे में फ्यूचर आने वाले टाइम में ना पर्सनलाइज लर्निंग पाथ्स बनेंगे। हर बच्चे की जो लर्निंग है वो एक स्टैंडर्ड क्लास 12th एग्जाम के थ्रू नहीं जाएंगे, बच्चों के हर बच्चे की वीकनेसेस, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसका लर्निंग पाथ बनने वाला है। सो इस सब के लिए टेक्नोलॉजी विल बी प्ले अ बिग रोल। टीचर टेक्नोलॉजी जो है टीचर्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, बट टीचर्स यूजिंग टेक्नोलॉजी विल बिकम वेरी वेरी पावरफुल। सो बट अभी से ही अडेप्ट करना शुरू करें। 9th इज आई थिंक यू नो लोग सोचते हैं कि हमारा स्कूल 2 बजे तक है, मुझे 2 बजे तक मुझे पढ़ाने का काम है, बट आप एटीट्यूड थोड़ा चेंज करेंगे कि हमें बच्चे का फ्यूचर बनाना है, सो उसके लिए क्या करना है, चाहे वो क्लासेस 2 बजे तक हो, तो यू कैन थिंक ऑफ कि जो रिमीडियल क्लासेस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफर कर सकते हैं, पेरेंट्स से आप चार्ज भी कर सकते हैं उस चीज़ का, बट एटलीस्ट इनिशिएटिव लीजिए, उनसे उनकी करियर काउंसलिंग के बारे में फोकस करो, गाइडेंस सेशंस के बारे में फोकस करो, ये सब चीज़ें सपोर्ट करो बियॉन्ड कि आप सिर्फ 8 से 2 8 मिनट पढ़ाएंगे हमारा काम खत्म हो गया। डोंट थिंक ऑफ दैट, थिंक ऑफ द प्रॉब्लम्स जो पेरेंट्स को आ रहे हैं और उनके सोल्यूशंस देने शुरू कीजिए। एंड ऐसा नहीं कि हर कोई हर पर्सन ये चीज़ें फ्री एक्सपेक्ट करते हैं, चार्ज करिए, रीजनेबली चार्ज कीजिए, एंड आई एम श्योर पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करेंगे। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज टेक फीडबैक और कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कीजिए, बिकॉज कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे आपने सिटी का नंबर 1 स्कूल हो, अपने पेरेंट्स को फीडबैक फॉर्म ज़रूर भेजते जाइए, उनसे फीडबैक लीजिए कि क्या उनको अच्छा लग रहा है क्या नहीं, जो अच्छा लग रहा है उसको अपना मार्केटिंग का पार्ट बनाइए, जो अच्छा नहीं लग रहा उसको इम्प्रूव कीजिए। सो इनफैक्ट बहुत लोगों को तो यही अच्छा रहता है कि हमने किसी ने हमारे सुना। तो अगर कोई पेरेंट्स सोच रहा है आपके स्कूल को छोड़ने का बिकॉज उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं आई, कोई नापसंद आई कोई चीज़, बट आपने द फैक्ट कि आपने उनको फॉर्म भेजा, उनको एक आउटलेट मिला बोलने का, तो उनको आधा गुस्सा उनका वहीं ठंडा हो जाता है। तो काफ़ी इसमें मैंने देखा जहाँ पर हम फीडबैक फॉर्म भेजते हैं तो वहाँ पर रिटेंशन रेट बढ़ जाता है। अगर आपने कुछ भी ना किया हो, आप उस फीडबैक पे कुछ भी नहीं करेंगे, तब भी आपके ड्रॉपआउट जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करना, आपको जो भी फीडबैक मिले उससे यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव इट। आपका स्कूल और इम्प्रूव करने का आपको कोई कंसल्टेंसी दे रहा है कि ऐसे इम्प्रूव करा जाए, तो वाई नॉट इम्प्रूव इट। सो जो भी सजेशन हो, एक ओपन अप्रोच रखो, अपने सर्वेस के अलावा अपने स्टाफ को भी मोटिवेट करो
कि जब भी कोई पेरेंट कोई कंप्लेंट लेके आए उसको पॉजिटिवली लीजिए, उसको लड़ना नहीं उसके साथ, डिफेंसिव मत हो जाइए, उस फीडबैक को नोट करो और उससे एक्शन प्लान बनाओ कि ऐसे क्या करें कि ऐसी कंप्लेंट दोबारा दोबारा ना आए। सी फाइनली यू नो स्कूल की जो रेपुटेशन है वो सिर्फ रिजल्ट्स पे, एकेडमिक रिजल्ट्स पे स्कूल्स बहुत फोकस करते हैं, बट रेपुटेशन सिर्फ उस पर नहीं बनती, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट पॉइंट मेरा वही था, बट बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा स्टैंडर्ड स्कूल का मेंटेन करें, कम्युनिटी के साथ जुड़े रहे, जो पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी आपके पास पढ़ा रहे बच्चे और जो नहीं भी पढ़ा रहे उनके साथ भी कम्युनिटी को अच्छा बनाओ। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो पेरेंट्स का आपका स्कूल पेरेंट्स का नंबर वन चॉइस बन जाएगा। इनफैक्ट वर्ड ऑफ माउथ से ही इतनी एडमिशन हो जाएंगी कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज अगर बाकी कम्युनिटी बिलीव इन योर विजन, जो कम्युनिटी है आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके विजन में बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्कूल विल बिकम द नंबर वन स्कूल इन योर रीजन। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू, आई होप इससे कुछ आइडियाज़ मिले हों कि कैसे आप अपने पेरेंट्स के सामने अपने स्कूल को नंबर वन बना सकते हैं। ये कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजीज थी, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सुने नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करें। और दूसरा क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मुझे प्लीज़ बताना चैट्स में इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगे, ताकि मैं वो वैसा पॉइंट को मैं और एक्सपैंड कर सकता हूँ फ्यूचर वीडियोस में। आपका फीडबैक मुझे मिलेगा, जैसे मैं आपसे कहा था फीडबैक लेने को, मैं भी आपसे फीडबैक लेना चाहूँगा, इन 10 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगे, या आपको ऐसा पॉइंट है जो आप चाहते हैं कि मैं इसको और इलेबोरेट करूँ, तो आई विल बी हैप्पी टू डू इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड ऑफकोर्स डू शेयर दिस विद अदर पीपल जो आप जानते हैं स्कूल चला रहे हैं, उनको अगर बेनिफिट होगा तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। And I'll see you in my webinar on how to open a school. Please join कीजिए and also join my community, because मैं day to time ना नए resources, checklist share करता रहता, तो उसका भी एक WhatsApp community है, वो भी join कर लीजिए, वहाँ पर कुछ ना कुछ free development, school sector के news भी उसमें share करता रहता हूँ। So I wish you all the best in your school project and I look forward to seeing you in my webinar on how to open a successful school. Best of luck.